हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप यहां दुबई आते हैं, आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं होता है कि हमें कौन से सेक्टर में जाना चाहिए जॉब के लिए। मीन्स आप रिटेल फार्मेसी ज्वाइन करेंगे या फिर हॉस्पिटल फार्मेसी ज्वाइन करेंगे, किस में आपके जॉब की वैकेंसी ज़्यादा मिलेंगी और फ्यूचर किस में है, ये सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आप मुझसे नए जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहले भी हमारी वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है पूरा ये आप दुबई आते हैं जॉब के सिलसिले में, तो आपको कौन सा सेक्टर ज्वाइन करना चाहिए जिसमें आपके जॉब के ग्रोथ ज़्यादा हो, ठीक है। मीन्स आपका फ्यूचर जिसमें ज़्यादा अच्छा हो। तो देखिए, यहाँ पे जब भी आप आएंगे दोस्तों, ठीक है, तो अगर आप फार्मेसी सेक्टर में आ रहे हैं, चाहे आपने बैचलर फार्मेसी किया हो या डिप्लोमा फार्मेसी किया हो, अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपके पास DHA का लाइसेंस है, MOH का भी लाइसेंस है, तो आपको यहाँ पे जॉब ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं कि हमें किस सेक्टर में ज़्यादा जॉब मिलेगी, है ना। जैसे यहाँ पे दो सेक्टर, तीन सेक्टर ऐसे हैं, जैसे आप अगर फार्मेसी रिटेल में जाते हैं, ठीक है, रिटेल फार्मेसी में यहाँ पे जो है जॉब की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, क्योंकि रिटेल में हमें तीन तरह के रिटेल मिलते हैं। एक होता है हमारा बिग चैन फार्मेसी, ठीक है, बड़े बड़े जो चैन फार्मेसी हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लाइफ फार्मेसी बहुत बड़ा चैन फार्मेसी है दोस्तों यहाँ UAE का, और एस्टर फार्मेसी ये भी बहुत बड़ा चैन फार्मेसी है। ये दो फार्मेसी यहाँ की सबसे बड़ी चैन फार्मेसी हैं दोस्तों, ठीक है। वो आपको हर जगह पे आपको लाइफ फार्मेसी थोड़े थोड़े दूर पे, मीन्स आधे आधे किलोमीटर के रेंज में आपको हर जगह लाइफ फार्मेसी की ब्रांचें मिलेंगी, ठीक है। पूरे दुबई में आप कहीं भी जाएंगे, लाइफ की हर जगह आपको फार्मेसी मिलेंगी, तो ये बहुत बड़ा चैन फार्मेसी है। इसी तरह से एस्टर भी बहुत बड़ा चैन फार्मेसी है। अगर आपको रिटेल सेक्टर में यहाँ पे जॉब मिलती है तो बहुत ही अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सैलरी बहुत ही अच्छी मिलती है, आपका इंसेंटिव भी बहुत ज़्यादा बनता है। तो अगर आप 4000 सैलरी पे ज्वाइन करते हैं तो आपका 3000-4000 इंसेंटिव भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन वर्क में प्रेशर ज़्यादा होता है यहाँ पे, ठीक है, सेल का प्रेशर होता है इन फार्मेसियों में। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपको कैसी फार्मेसी ज्वाइन करनी चाहिए। अगर आपको वर्कलोड का प्रेशर जो है, सेल का प्रेशर मतलब कि आप झेल सकते हैं, तो ठीक है आपके लिए वो फार्मेसी, ठीक है। ये हो गई बड़ी चैन फार्मेसी, इसमें जो है आपको जॉब मिल सकती है। और दूसरा आता है एक मिड चैन फार्मेसी हो गई। मिड चैन फार्मेसी भी उनसे थोड़ा सा लो है, और उसकी भी बहुत सी ब्रांचें हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। मिड चैन में बहुत बड़े लार्ज में नहीं है, लेकिन जो है मिड मींस आप समझ रहे हैं मिडिल वाला, ठीक है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ही कम है। तो वो एक चैन फार्मेसी हो गई, वहाँ भी आपको अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सैलरी भी वहाँ पर ठीक ठाक मिलेगी, और जो है इंसेंटिव भी मिलेगा, ठीक है। एक तीसरा है जो हमारा इंडिविजुअल फार्मेसी, ठीक है। इंडिविजुअल मीन्स जो कोई भी आदमी अपना फार्मेसी ओपन करता है, ठीक है। मान लो मैं ही यहाँ पे जॉब किया, उसके बाद 2-3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे ही यहाँ पे अपना बिजनेस डालना हुआ, तो मैं अपना फार्मेसी यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो वो हमारी ओन फार्मेसी होगी और उसका एक ही ऑनर होगा। तो जो भी है सब वो इंडिविजुअल एक ही उसका ऑनर होता है, ठीक है। तो आप ऐसी फार्मेसी भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ भी आपको सैलरी मिल जाती है ठीक ठाक, ठीक है, एक एवरेज सैलरी जो है वो आपको वहाँ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया रिटेल की बात, ठीक है। और जो है अगर आप हॉस्पिटल फार्मेसी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, पहली चीज़ तो ये दोस्तों कि हॉस्पिटल फार्मेसी में जॉब बहुत ही कम आती है, और यहाँ जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे यहाँ की सबसे बड़ी जो बड़ा हॉस्पिटल है वो NMC हॉस्पिटल हो गया, जुलेखा हॉस्पिटल हो गया, सऊदी जर्मन हॉस्पिटल हो गया, ये सारी जो है हॉस्पिटल यहाँ पे काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल हैं। एस्टर का भी हॉस्पिटल है, एस्टर के भी बहुत से क्लिनिक हैं और हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल हैं, और यहाँ जॉब मिलना दोस्तों बहुत ही मुश्किल का काम है, जल्दी जॉब मिलता नहीं है। लेकिन अगर एक बार आप हॉस्पिटल के अंदर जॉब पा जाते हैं, ठीक है,
तो आपको जो है वहाँ पे सैलरी पैकेज भी बहुत ही अच्छा मिलता है, ठीक है। आप फ्रेशर में ही अच्छी खासी सैलरी वहाँ पे पा सकते हैं और जो है आपका जो है ग्रोथ भी वहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल में जल्दी जॉब मिलता नहीं है, यहाँ पे ज़्यादातर एक्सपीरियंस वालों को हॉस्पिटल में जो है जॉब मिलती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 2 साल वर्क करते हैं और अच्छा खासा यहाँ से एक्सपीरियंस ले लेते हैं हम 2 साल का, उसके बाद आप हॉस्पिटल में अप्लाई करेंगे तो आपको मिल सकती है जॉब, लेकिन स्टार्टिंग में आपको जो है जल्दी नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके लिए आपको रिटेल ज्वाइन करिए या क्लिनिक ज्वाइन करिए, तो इस तरीके से आप पहले यहाँ पे एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद फिर आपको जो है आगे जो है आप हॉस्पिटल में अप्लाई करेंगे तो आपको शायद मिल सकती है जॉब, ठीक है। लेकिन जो बेस्ट है वो हॉस्पिटल की जॉब सबसे ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हॉस्पिटल सेक्टर की बात और जो है रिटेल की बात, ठीक है। तो आपको अगर जैसे आप यहाँ पे नए आते हैं तो आपको ज़्यादा चांसेस हैं रिटेल सेक्टर में जॉब मिलने के, ठीक है। या फिर क्लिनिक्स वगैरह भी होते हैं, क्लिनिक के साथ में फार्मेसी अटैच होती है, उसमें भी आपको जॉब मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है अगर आप आते हैं तो आपको इन सेक्टर्स में जो है जॉब मिलेगी, सबसे इजीली जॉब आपको रिटेल सेक्टर में ही मिलती है, ठीक है। तो आप जो है रिटेल की नॉलेज प्रॉपर तरीके से अपने जो भी कंट्री में आप हैं उस कंट्री से अच्छे से एक्सपीरियंस लीजिए रिटेल का, ठीक है। मेडिसिंस की नॉलेज लीजिए, उसके बाद फिर आप यहाँ पे आइए और आपको मीन्स आप आइए लेकिन अपना प्रोसेस के साथ में आइए, आप DHA MOH लेकर के आइए, उसके बाद आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, ठीक है दोस्तों। ये है दोस्तों मेरी पूरी जानकारी, आई होप कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।